एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विशाखा ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ शादी में, और इस शादी की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अविका को और अभी भी है। देखो क्या बोल रही है अविका। हम कहाँ जा रहे हैं? किसकी शादी में? पहले आप बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। किसकी शादी में? कोई बात नहीं, खुलने तो ना, क्या हो गया, खुलने से क्या होता है, अच्छा तो लग रहा है ना। नहीं बेटे सुनो, नहीं अविका ऐसे नहीं करते बाबू, नहीं ऐसे रहने दो ना अविकू, क्या कर रहे हो, निकालो नहीं बेटा। हाँ देखो गेट खुल गया, ठंडा आ गई, मत निकालो अविकू, मत निकालो। अविका किसको डांट रहे हो? सिस्टम में बिजली नहीं होने के कारण सीएनजी नहीं मिल रही है। सीएनजी का क्या पंगा है आज? पेट्रोल डलवाओगे? ना सीएनजी डलवाऊंगा अभी। तो आज पता नहीं क्या है कि कहीं सीएनजी नहीं मिल रही। इससे पहले हमने दो पेट्रोल पंप पे देखा था, वहाँ पे भी नहीं थी और यहाँ पे भी नहीं है। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि कहीं सीएनजी नहीं है। अब देखते हैं, एक और आगे है तो वहाँ पे शायद मिल जाए। यहाँ हम बहुत टाइम से पहुँच गए हैं क्योंकि यहाँ भी सीएनजी ख़त्म होने वाली है और ये बोर्ड लगाने वाले हैं, तो अभी दो एक नंबर के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से सीएनजी भरा के हम निकल गए अविका के चाचू को पिक करने, क्योंकि वो भी हमारे साथ जाएंगे। ये उनका गांव है, मींस कि इनके मामा का गांव है ये। तो आज आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे नए नए लोग मेरी वीडियो में, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लोगों को मिलवाने वाली हूँ आपसे, और मैं बताऊंगी भी कि ये कौन कौन है, इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और पहुंच गए मामा के घर, और यहाँ से बैठ के हम कॉल कर रहे हैं कि बाहर आ जाओ, यहाँ से हम निकल लेंगे। लेकिन फिर वो आए और वो कहने लगे कि थोड़ी देर अंदर भी आ जाओ। तो फिर ये देखो अविका तो पहले ही जाके पहुँच गई चाचू के पास। ये हैं छोटी मामी जिन्होंने फेसबुक लगाया हुआ है, और ये मुझे मना कर रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाना, बट मैंने बना ली है। और ये बोल रही थी कि डिलीट कर देना, मैंने डिलीट नहीं किया। और ये हैं बड़ी वाली मामी, और अब चलते हैं अंदर देखते हैं कि कौन मिलता है। तो ये सबसे पहले मिली वर्षा, जो घर के कपड़ों में थी, तो कह रही थी वीडियो मत बनाओ। और ये छोटी वाली हैं सोनिया, और वर्षा को आपने पहले मेरी वीडियो में देखा है, और आज उन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया क्योंकि सॉल से पूरा कवर कर रखा था। और होता है ना, जब अचानक से कहीं पहुंच जाओ कैमरा लेके, तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। और मैं आपको और भी लोगों से आज मिलवाने वाली हूँ, नए नए लोगों से। ये तो अभी शुरुआत थी, आगे आगे देखो होता है क्या। और यहाँ पे हो रही हैं बातें टोल टैक्स की, क्योंकि आगे एक टोल टैक्स पड़ता है, जो यहाँ के होंगे उनको पता होगा, तो उसकी डिस्कशन चल रही है यहाँ पर। अरे फास्टैग भी काट दे। ये कह रहे हैं कि
सुधांशु को कॉल करके बोल दो कि अभी मामा के घर पे हैं, निकले नहीं हैं, जबकि हम पहुंचने वाले हैं। सुधांशु को कॉल करके एक छोटा सा प्रैंक किया कि अभी हम निकले ही नहीं हैं और वहीं पे है। और हिमांशु का जो रिएक्शन होगा, अभी दूर से तो पता नहीं चलता, सामने होते तो पता चलता कि क्या रिएक्ट कर रहे वो। और ये है शादी वाला घर जो अलग ही दिख जाता है। तो हम पहुँच गए हैं घर पर और ये फ़ोन लगा के फिर प्रैंक कर रहे हैं। और देखो कितना सारा सामान हम लेके आए हैं, बहुत सारा सामान भर भर के, और इतना ज़रूरत भी नहीं है, बट कोई नहीं, चलता है। कपड़े कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बाहर की डेकोरेशन। डेकोरेशन से ही पता चलता है कि ये शादी वाला घर है। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखे दादाजी जो बाहर बैठ के धूप ले रहे हैं, और सुबह की धूप तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने दादाजी के पैर छुए क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद की तो सबको ज़रूरत होती है। और फिर करी घर में एंट्री, और यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा, सारे अंदर बैठे हुए होंगे। ये है अभिका की आरती बुआ, और आते ही दोनों का लाड प्यार चालू हो गया है। और ये हैं हमारे दूल्हे राजा जिनका कल बजेगा बैंड बाजा। सुबह में थोड़ा साथ दे दी तो भाभी है, मैं खुआ के भेजेगी अभिका। फोन करके 8-9 बजे थी सोतड़ी है। तो मैंने खाया पिया और इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और अब आ गए यहाँ पे मेहंदी लगाने वाले, और मैं बैठ गई हूँ मेहंदी लगवाने। मैंने दोनों हाथ में लगवा लिया, और पता नहीं क्या होगा क्योंकि अविका है तो शायद कुछ काम भी पड़ सकता है, बट कोई नहीं, उसको संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और इनकी स्पीड जो है ना बहुत तेज़ है, बहुत स्पीड में लगाते हैं, मीन्स 2 मिनट में ये दोनों हाथों में लगा देते हैं। एक एक हाथ में लगा रहे हैं, 2 लोग हैं। और यहाँ पर देखो माता रानी की मूर्ति है, और ये हैं छोटे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनका नंबर लगा हुआ है मेहंदी का। और ये देखो इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे है एक क्यूट सा बच्चा, गोलू मोलू सा, इसके गाल ऐसा लग रहा है कि पकड़ के खींच लूँ, बहुत प्यारा बच्चा है ये, देखो कैसे देख रहा है। और ये तो है हमारी हिमाचली कुड़ी। ये देखो ये तैयार हो रही है, अपने एक हाथ पे लगवा लियो, ठीक है, ये भी हमारी खुशी। यहाँ पे लग रहा है कल के लिए टेंट, क्योंकि कल भात है और आज डीजे है, तो उस चीज़ की तैयारी हो रही है। तो शाम का टाइम हो गया है और सब डीजे पे कर रहे हैं डांस, अभी लेडीज़ भी करेंगी, पहले जो जेंट्स हैं वो कर लें। अब आया है यहाँ पे लेडीज़ का नंबर, और लड़कों से कहीं ज़्यादा अच्छा इन लोगों ने किया है, और मैंने भी थोड़ा सा किया था और वो वीडियो बनाई नहीं है, थोड़ा सा ही किया था, मुझे आता नहीं है तो मैंने बहुत थोड़ा सा किया था। और यहाँ पे देखो कैसे बहुत अच्छा डांस किया था इन दोनों ने, हमारी हिमाचली गर्ल ने, और फिर ये लोग चालू हो गए। ये देखो यहाँ पे क्या पीटी कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज सब कुछ हो रहा है। सो आफ्टर डांस पार्टी बज रहे हैं यहाँ पे 12:30 बजे, और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और आज हमने इतनी चाय पी है कि शायद इतनी चाय पी होगी,
हर थोड़ी देर में चाय पी है। और ये देखो यहाँ पे ये दो क्या कर रहे हैं, एक तो मेरा हस्बैंड है और दूसरा देवा लगता है। पांच छह बंदे हैं। जितने ज्यादा से पूछेगा बढ़ते रहेंगे तादाद। अच्छा है यार, देखो मैं लेटी हूँ और सब बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे कर रहे हैं और चाय भी आ गई। तो अब चाय पी के जो एनर्जी आ जाएगी ना, तो मज़ा आ जाएगा। देखो अदरक और इलायची मैंने डाल रखी। रात को बच रहे हैं 3 और अब याद आया कि मुझे मेहंदी लगवानी है, तो हमें उठा के, हमें क्या अपनी बहन को उठा के बोला कि मेहंदी लगा दो, तो वो इतनी रात को मेहंदी लगा रही हैं। और ये देखो ये भी अच्छी लगी हुई है ना मेहंदी, अभी तो ये मतलब अच्छे से रची नहीं है, और जब इसका रंग आ जाएगा तो और अच्छी लगेगी। और मैं अपनी भी दिखा रही हूँ कि ये देखो मेरी कैसी लग रही है, और यहाँ पे देखो इस वाले हाथ में लग गई है और दूसरे हाथ में भी लगवानी है। तो अभी एक हाथ का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी दूसरा हाथ बाकी है। तो ये लग गई है मेहंदी, ये देखो मेरा नाम, मेरा निक नेम, और इसमें लिखवाया दूल्हे का बड़ा भाई। वैसे तो ये चाह रहे थे कि दुल्हन का जेठ लिखवाऊँ, बट फिर इनको पता नहीं क्या हुआ, फिर उन्होंने सोचा नहीं नहीं कहीं हिमांशु बुरा ना मान जाए, तो इसलिए इन्होंने दूल्हे का भाई लिखवाया। और सब सो गए, सारे सो गए। और ये देखो ये अभी है, ये तो बिंदास लड़की है, बिंदास। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।